ये तो है ही नहीं, बेहतरी से मोहब्बत है। तो अल्लाह फरमाता ये लोग फासिक क्यों हैं, अल्लाह को भूल याद ही नहीं रहा कि ये ज़िंदगी खुद बखुद नहीं मिल गई, किसी ने दी है, पीछे कोई ताकत है जिसने ये अतिया हमें अता किया है, पैदा किया है, खालिक है, यूं ही नहीं और वही वापस लेता। और उसने ये दुनिया खेल तमाशा भी नहीं बनाई कि ये कोई खुली चरागा, तुम सांड हो, खाओ पियो, मर जाओ, मिट्टी हो जाओ। ये लोभ ते खाक साख्तन मीना सदल खुदाए। कुरान ने भी यही बात कही कि अल्लाह की शान है कि इंसान पैदा करके वो देखता रहे कि कुछ कत्ल हो रहे हैं, कुछ कत्ल कर रहे हैं, वो तमाशे देखे पहाड़ों पर बैठा, ओलंपस के देवताओं की तरह खेल बनाया हुआ उसने, वो ऐसा धर्म और बेरहम है, ये नहीं है। वो देख रहा है कि कौन जुल्म कर रहा है, एक दिन उससे निपटेगा। और ये मजरूम जब चीख रहे हैं कि जवान बेटी की इज्जत लुट गई, जहेज ले गए डाकू, कुछ नहीं बना, कुछ का पता ही नहीं चला, जिनका पता भी चला उनके हामियों और सरपरस्तों ने छुड़ा लिया, तो कहा कोई बात नहीं, अगर मैं भी ऐसे ही रहने दूँ तो फिर ये अंधेर नगरी और चौपट राजा ही हुआ, फिर ये दुनिया अंधेर हुई, खुदा ना हुआ ज़ालिम हुक्मरान, कभी नहीं होगा, इंसाफ होगा। अल्लाह फरमाता ये करप्शन का एक सबब, एक बीज है जो सारा फैल गया। ये टीवी, रेडियो, अखबार, रिसाले, स्कूल, कॉलेज, बल्कि मस्जिदों में महराब, ये सारे खुदा बुला रहे हैं, खुदा की दावत नहीं देते कि हर खुतबा और आवाज में लोगों को कहें कि मालिक है तुम्हारा एक, उसने यहाँ तुम्हें आजमाइश के लिए भेजा है कि चंद रोज़ा जिंदगी में तुम क्या करके दिखाते हो, अगर यहाँ अच्छे निकले तो शाबाश मिलेगी, जन्नत की हुकूमत अलाट कर देगा कि जो जी चाहे, और अगर यहाँ बुराई की चंद दिन तुम नेक न रहे तो फिर जन्नत क्यों हवाले करेगा, फिर दोस्त का ईंधन मराएगा। तो फरमाया फासिक क्यों हैं बनते लोग, बदकार करप्ट क्यों हैं, इल्म की कमी नहीं, ना पैसों की कमी है, अल्लाह को भूल गए, वरात को उनकर लदीन नसल्ला, इनकी तरह ना हो जाओ जिनको ये याद ही नहीं रहा कि कोई अल्लाह है और वो देख रहा है और हमने उसको साथ इस बात